है वेलकम एवरीवन। तो ये वाला मैच इंग्लैंड प्रीमियर लीग का मैच है और आज की वीडियो में ना आपको एक ज़बरदस्त स्कोर देखने को मिलेगी और देखने को मतलब ये देखने को मिलेगा कि भाई एक अच्छी स्कोर का होना कितना फ़ायदे में रहता है। अब देखो यहाँ पे टॉस जीत के हमने पहले तो बैटिंग का फैसला कराया, अपनी स्कोर एकदम ही एक्सेलेंट स्कोर है और सामने वाले ने स्कोर में जो गलतियाँ करी है ये आपको भाई मतलब देखना है, वो गलती आपको नहीं करनी है। तो देखो यहाँ पे पहला ही ओवर यहाँ पे करेंगे टी मिल्स के साथ जिसका स्किल है 69 का, और ये 69 की स्किल वाले बॉलर ना भाई भारी पड़ सकते हैं जब सामने अच्छा ओपोनेंट हो। वैसे पहले बॉल पे यहाँ पे हमने टाइमिंग मिस करी है बट हर बार ऐसा नहीं करने वाले। नेक्स्ट बॉल अब देखो एकदम ही ब्रिलियंट तरीके से परफेक्ट टाइमिंग हो चुकी है और यहाँ पर मिल जाएंगे 6 रन। वैसे यहाँ पे गोल्ड शॉट 632 बहुत ही बेहतरीन रहेगा और इस बार ना मिस हो चुका है, तो वैसे नो प्रॉब्लम, इसका जो बाउंस था वो बहुत कम था इस बार। अब नेक्स्ट बॉल पे हमने खेला यहाँ पे 274 और लकी रहे ओपोनेंट के फील्डर पहुँच गया भाई, टाइमिंग तो अच्छी थी बट बच गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट बॉल, अब यहाँ पे हम खेलेंगे 494, इस बार भी भाई कोई मौका नहीं देंगे फील्डर को, एक और चौका मिलेगा। अभी देखते आगे, अभी यहाँ पे देखो फिर से खेला है 494, एक और चौका। तो एक ओवर के बाद स्कोर हुआ 18 रन 0 विकेट। अब नेक्स्ट ओवर यहाँ पे फास्ट मीडियम बॉलर है जॉर्डन, अब ये बॉलर अच्छा है क्योंकि इसकी स्किल 70 से ऊपर है तो इसके पास स्लो और स्ट्रेट दोनों का ऑप्शन है, बट ये गलती कर दी यहाँ पे ओपोनेंट ने क्योंकि 3-2-3 पे फील्ड नहीं रखोगे और इस तरीके की लेंथ यूज़ करोगे तो ये तो होना है। एक और बार यहाँ पे एक और चौका, अभी बढ़ते आगे। वैसे देखो एक चीज़ समझ लो, ये 274 है 235 है ये सारे शॉट है ना वो रिस्क वाले हैं, अगर लग जाते हैं तो सही से लग जाते हैं। अभी मेरी ही बात करूँ, कल के दिन भाई 274 के चक्कर में बड़ा मैच हार गया टूर्नामेंट का, तो मतलब अभी वो जो शॉट है ना वो हर बार खेलना मतलब अच्छा नहीं है। हाँ एक बात है, अगर विकेट्स आपके पास पड़े हैं तो खेलो। और हाँ ये है न्यू शॉट 586। अब देखो इस शॉट का ऐसा है बाउंसर पे अच्छे से कनेक्ट होगा बट मीडियम बाउंसर मतलब गुड लेंथ पे वगैरह पे उस पर थोड़ा रिस्की है, अगर हाँ बैट्समैन की हाइट कम है तो कनेक्शन कई बार बन सकते हैं बट ज़्यादा हाइट वाला बैट्समैन आया ना तो फिर गए काम से भाई, फिर तो नहीं लगने वाला। अब यहाँ पे नेक्स्ट बॉलर है ओस्टोन, अब ये भी देखो गलती कर दी, 69 की टाइमिंग वाला बॉलर है और इस पर भी हम बड़े आराम से लगाएंगे चौका। तो 2 ओवर 1 गेंद 39 रन 1 विकेट और इस बार परफेक्ट टाइमिंग हो चुका है, क्या लगता है छक्का मिल जाएगा? बिल्कुल। तो 2 ओवर 2 गेंद 45 रन 1 विकेट। नेक्स्ट बॉल पे यहाँ पे खेला है, अरे कौन सा है, 292 और यहाँ पे फिर से मैं 2 रन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 ओवर 2 गेंद 47 रन 1 विकेट। अब नेक्स्ट बॉल पे फिर से खेला है अच्छे से 292, अब यहाँ पे 2 रन ले सकते हैं फिर से, 2 ओवर 4 गेंद 49 रन 1 विकेट। देखते हैं अब नेक्स्ट बॉल, यहाँ पे हम खेलेंगे 632। वैसे टाइमिंग अच्छी हो चुकी है बट जो फील्डर के पास गेंद गया है जिस वजह से 3 ही रन मिलेंगे, तो अभी हम पहुंचेंगे 52 पे, 2 ओवर 5 गेंद 52 रन 1 विकेट। अब इस वाले गेंद पे 308 खेला है बट ये फील्डर भाई दोनों तरफ भाई पहुंच रहा, मतलब 308 भी खेलो तब भी ये आ जाता है और अगर 500 वगैरह खेलो उस वाले डायरेक्शन में तब भी वो साला पहुंच जाता है। अभी नेक्स्ट ओवर मोइन अली के साथ और ये देखो हम यहाँ पर कैसे खेलेंगे, पहले तो देखो छोटी हाइट का बैट्समैन है तभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई करा है और मोइन अली का बाउंस भी बहुत ज़्यादा है, वैसे इतनी भी छोटी हाइट नहीं है इस बैट्समैन की, मीडियम है। अब नेक्स्ट बॉल, अब यहाँ पे देखो 4-3-1 खेला था बट मैं जो है वो सोच रहा था शायद यहाँ पे टॉप स्पिन निकले बट ये आम बॉल निकला तो ये विकेट भी जाएगा यहाँ पे। 3 ओवर 2 गेंद 56 रन 2 विकेट। अब नेक्स्ट यहाँ पर बैट्समैन है बिलिंग्स, अब बिलिंग्स की टाइमिंग अच्छी है। अब नेक्स्ट बॉल, अब यहाँ पे मैंने जो खेला शॉट 500 बट यहाँ पे एज लग गई तो हम यहाँ पे 2 रन ले सकते हैं तो 58 रन पे पहुँचेंगे, 3.5 ओवर 58 रन 2 विकेट।
अब नेक्स्ट बॉल पे हम यहाँ पे फिर से ट्राई करें, बट इस बार कनेक्शन नहीं बनाए। तो 5/6 का ऐसा है भाई, चल गया तो चांद तक, नहीं तो फिर सिर्फ और सिर्फ बाउंसर पे ही लगेगा ज़्यादातर। तो ज़्यादा ट्राई ना करना, अगर नहीं लग रहा है तो छोड़ दो, फोकट में मैच ख़राब करवाएगा। अब नेक्स्ट बॉल पे मैंने यहाँ पे 494 खेला, परफेक्ट टाइमिंग के साथ खेला, बट जो फील्डर है उसके हाथ में कैच गया है। अब ये जो फील्डर है ना ससुरा, देखो अभी देखना 494 पे इसने कैच लिया है, 494 पे कैच लिया। अब देखो नेक्स्ट बॉल यहाँ पे मैं खेला हूँ 147, साला ये वाला गेंद भी यही पकड़ने आ रहा है, मतलब इसको जो दोनों तरफ फील्डिंग कर लेनी है। 147 पे भी आएगा, 494 खेलो तब भी ये पहुँचेगा ससुरा। अब देखो फिर से हम खेलेंगे 147 और ये देख लो आपके सामने। तो इस वाले शॉट्स की डायरेक्शन में ना कुछ कह नहीं सकते कि गेंद किस तरफ जाए। 147 खेला था सिंपली भाई, उसी के पास कैच गया। अब सामने की ओर देखो तो भाई वहाँ पे भी ऐसा ही है, मतलब कि ये 400 वगैरह जो शॉट है उस पे भी सामने की ओर कैच जाता है। मतलब अब ये देखो, ये बेहतरीन तरीके से कनेक्ट हुआ है और ये जाएगा छक्का। नेक्स्ट बॉल फिर से यहाँ पे सेम शॉट खेलेंगे 632 और इस बार 2 रन मिलेगा। अब देखो इसने फिर से गलती करी है, वैसे देखा जाए ना तो इस वाले बॉलर की स्किल बहुत कम है, जो कि भाई अच्छे प्लेयर के सामने यूज़ करना ही नहीं चाहिए कभी भी, बट इस भाई साहब ने करा है। अब यहाँ पे हम 74 पे पहुँचेंगे, 4 ओवर 5 गेंद। अब इसकी फील्ड भी देखो यार, ऐसे सोच रहा है जैसे मैं 632 पे मिस टाइम कर दूंगा। मतलब बिना गेसिंग के कैसे मिस टाइम होगा भाई, बिना गेसिंग के कैसे मिस टाइम होगा। तो यहाँ पे एक और चौका, 78 पे पहुँच गए हम। अब ओपोनेंट के लिए हमने टारगेट सेट कराया 79 रन का। अब अपनी स्कोर एकदम परफेक्ट है बॉलिंग में भी। अब देखो पहला ओवर में कर रहा हूँ एब सिंह के साथ, यहाँ पे ओपोनेंट की किस्मत अच्छी थी, गेसिंग नहीं हुआ था, ये लेट शॉट हुआ था और ये जो गैप में चला गया। अब नेक्स्ट बॉल अब आ गया भाई ऊंट पहाड़ के नीचे, पहला विकेट मिल चुका है 4 रन पे। अभी इसने जो है कैरम सोचा था, हमने डाला दूसरा और विकेट निकल चुका है। पर ये सबसे बड़ी मछली, क्योंकि जेसन रॉय की टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, उसका विकेट मिलना अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट ईशान किशन, चलो देखते इसका विकेट मिलता है कि नहीं। यार फिर से लक्की, बहुत लक्की है भाई ये, इस बार भी ये मिस टाइम था, मतलब रेड में टाइमिंग थी और ये गैप में चला गया यार। चलो इस बार बढ़िया शॉट, सही में टाइमिंग अच्छा था, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन था, बट ये कह सकता हूँ जब येल्लो में अर्ली टाइमिंग होना, कनेक्शन अच्छा ना बने तो कैच जा सकता है। वैसे यहाँ पे एक और विकेट मिलेगा, 12 रन पे 2 विकेट। तो ईशान किशन भी आउट हो चुका है, इसका भी टाइमिंग बेहतरीन है और ये भी आउट हो चुका है। तो अब जो कम टाइमिंग वाले बैट्समैनों से खेलना है इनको। अब ये शॉट बढ़िया 578 खेला है गेसिंग करके और अच्छे से कनेक्ट हुआ है, नो डाउट। 16 पे पहुँचेंगे ओपोनेंट पहली ओवर के बाद। अब नेक्स्ट ओवर हम यहाँ पे करेंगे डाउसन के साथ। अब डाउसन की स्किल देखे ना तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब 70 की स्किल इनफ है, मोर देन इनफ है, क्योंकि 70 की स्किल पे आपको भाई कैरम और दूसरा दोनों वेरिएशन मिल जाते हैं। तो 70 की स्किल के बॉलर का यूज़ करना बहुत बढ़िया रहता है। अब यहाँ पे बोपारा नेक्स्ट बैट्समैन, अब पता नहीं बोपारा की टाइमिंग क्या है, बट पर हमें क्या, हमें तो अच्छे से बॉलिंग डालनी है, जो भी चाहे टाइमिंग हो देख लेंगे। नेक्स्ट बॉल कैरम कराए, यहाँ पे अच्छी टाइमिंग करी है, एक और चौका जाएगा। देखो इस गेम में ना एक बात है, जब सेफ रहेगा टारगेट तब 50 रन भी सेफ रहेगा, और जब भाई मतलब सामने वाला गेसिंग कर ले, अच्छे से खेल ले, तब 90 भी सेफ नहीं रहेगा। मतलब इसमें सेफ स्कोर का ऐसा कुछ है नहीं, कभी 50 का स्कोर बनाओ ना, फील्डिंग अच्छे से सेट करोगे, बॉलिंग अच्छे से करोगे, किस्मत साथ देगा तो 50 भी डिफेंड कर लोगे, कैसा भी सामने प्लेयर हो कोई मैटर नहीं करता। पर अगर सामने भाई अच्छा प्लेयर है, उसको भी भाई सेम लेवल की स्किल है, अगर आपने 90 का टारगेट सेट करा, उसने गेसिंग कर ली सारी बॉल को, तो 90 भी सेफ नहीं रहेगा। तो मतलब कहने की बात यह है, टारगेट के ऊपर मत देखो जब भी खेलो भाई, मतलब पूरी कोशिश के साथ खेलो बस, ये नहीं कि सामने वाले को डोनेट कर दिया मैच। चलो अभी वापस आते हैं गेम प्ले की ओर। 2 ओवर 1 गेंद, 28 रन 3 विकेट। नेक्स्ट बॉल पे फिर से 147 भाई, मतलब 147 बहुत खेल रहा है ओपोनेंट। चलो कोई इश्यू नहीं, खेलने दो इसको 147।
30 पे पहुंचा है ये, हमने इस तरीके की फील्ड लगाई है भाई, ऑलमोस्ट 7 PMP कई बार ये फील्डर रोक सकता है। वैसे ये वाली फील्ड तभी लगानी है जब सामने वाले को भाई स्कोर ज़्यादा करना, क्योंकि जब जब सामने के शॉट्स ओपोनेंट खेलने लगेगा तो इस वाले फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे फिर से एक और विकेट मिल गई, 32 पे फोर्थ विकेट निकाली है, 2 ओवर 4 गेंद, मोइन अली आउट 5 गेंदों में 10 रन बना के। अब देखते आगे क्या होता है। तो यहाँ पे लबुशाणे है नेक्स्ट डिफेंसिव बैट्समैन, कैरम बोल करा है, और यहाँ पे गड़बड़, ये तो नहीं लगेगा। 2 ओवर 5 गेंद 32 रन 4 विकेट, नेक्स्ट एक और बार कैरम बोल करा है, तो ये भी नहीं लगेगा। यहाँ पे पोजीशन में काफ़ी गड़बड़ करते हुए अब नेक्स्ट ओवर हमारा जो है वो भाई टॉप ऑलराउंडर का है ना, क्लेन वेल्ट और विलियम्स है अपने, क्योंकि दोनों ही रेडिकल हैं, दोनों के पास 68 की टाइमिंग है और 70 की स्किल भी है बॉलिंग में, तो ये ऑलराउंडर्स काफ़ी काम आते हैं। तो ऐसे ऑलराउंडर का स्क्वाड में होना बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत काम आते हैं ऑलराउंडर्स। अब ये देखो यहाँ पे हमारा जो कैच है वो आ चुका है, तो अभी इनका 5वां विकेट गिरेगा। अभी इन्होंने फिर से 147 खेला था, परफेक्ट टाइमिंग करी, बट जो गेंद है ना वो सीधा फील्डर की डायरेक्शन में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो सामने है मेडिसन, इन स्विंग करा है, और इस बार देखो अब हम जो एकदम फियरलेस बॉलिंग कर रहे हैं, हमें अब चाहिए विकेट। 34 रन पे 6वां विकेट जा चुका है, मेडिसन आउट, क्योंकि अब हम कोशिश करेंगे ओपोनेंट को ऑल आउट करने की। तो वैसे हमको जो है वो कम ज़्यादा से ज़्यादा एक्स पीस चाहिए इस मैच में, और इसको जो है ऑल आउट भी करना है। तो अभी हम जो एक और विकेट, 3 ओवर 4 गेंद 34 रन 7वां विकेट गिर चुका है इनका, नगरकोटी आउट। वैसे अभी तो कुछ खास टाइमिंग वाले बैट्समैन बचे नहीं है इनके पास, जॉर्डन आ चुका है अब तो। वैसे ओपोनेंट के भी परफेक्ट कैच गए हैं, अपने गए, वैसे ओपोनेंट के भी गए, बट अपने कुछ ज़्यादा ही गए। अगर अपने परफेक्ट पे कैच ना आ जाते ना तो अपना जो स्कोर है वो 90 टच हो जाता। अब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शॉट भाई, ये वाला शॉट ना जो भी यूज़ कर रहे हैं भाई निकाल फेंको, इतना भी खास नहीं है ये शॉट, कई बार धोखा देता है इस तरीके से। मैंने इसको यूज़ करा है, बहुत यूज़ करा है पहले, बट एट द एंड मुझे जो है 226 वापस लगाना ही पड़ा। और यहाँ पे एक और विकेट, अभी बात करें ना तो उस शॉट का ऐसा है, अगर चल गया तो भाई मतलब चल गया, बट यार मोस्टली नहीं चलेगा, क्योंकि योकर पे वो शॉट भाई कनेक्शन रेट में कुछ खास है नहीं, हर बार नहीं कनेक्ट होगा। अब देखो पहले तो 2 स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, ये एक और विकेट। यहाँ पे 226 होता तो इसके लिए बेटर होता है योकर खेलने में। और वैसे भी गुड लेंथ वगैरह की बात करें तो उस शॉट को पोजीशन करना बहुत ही मुश्किल है, हर बार उसको पोजीशन भी नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे इसने स्ट्रोक शॉट्स खेलना चालू कर दिया है, 4 ओवर 2 गेंद 36 रन 9 विकेट, और अभी इनको 3 गेंदों में 41 रन चाहिए। अब नेक्स्ट बॉल पे स्ट्रेट बॉल करा है, और ये तो नहीं लगने वाला। अब देखते हैं अगला गेंद, वाइड योकर करा है, 117 खेलने की कोशिश, और ये एज लग के सीधा ही बोल्ट। तो यहाँ पे हम मैच को ख़त्म करेंगे और विन करेंगे 40 रनों से, मतलब 40 XP प्लस होंगे। और चलो वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।